समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान ने खीरी लखीमपुर में किसानों पर बर्बरता के साथ गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतारने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, किसानों को कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। आपको बताते चले, धामपुर के मछली बाजार में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ठाकुर मूलचंद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहां से जुलूस के रूप में शांति के रूप में कैंडल मार्च निकालकर भगत सिंह चौक पहुंचे। भगत सिंह चौक पहुंचकर किसानों को श्रद्धांजलि दी। नव भारत समाचार, धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। करते हैं कि उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजने का काम करे सरकार। और जो आज हालात हैं पूरे प्रदेश और देश में, जगह जगह हत्याएं और एक वर्ष से किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर धंधा चला, 700 किसान से हत्याएं हो गई और वहां 700 से ऊपर किसान मर भी चुके हैं। अभी तक उन किसानों के लिए जो अन्नदाता कहलाते हैं, पूरे देश को रोटी खिलाने का काम करते हैं, दुर्भाग्य इस देश का, जो देश की कुर्सी पर विराजमान है प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने एक बार उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं की गई, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद हुए लखीमपुर खीरी में किसानों को शोक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मशाल जुलूस निकालकर भगत सिंह के चौक पर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम सभी समाजवादी पार्टियों के साथियों ने किया है, जो हमारे साथ आए हैं। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह जहां भी किसी के साथ जाति होगी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक चीज का जवाब हम जबरदस्त देने का काम करेंगे।